नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लार्मी 24। मैं हूं जिला विरोची वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, तुम्बा पहाड़ में विद्यालय शिक्षा समिति की एक बैठक में जहाना खातून को निर्विरोध वहां के विद्यालय सचिव चुना गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, उर्दू UMS उर्दू मिडिल स्कूल है। वहाँ एक और प्रतिद्वंदी खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन एक कई ग्रामीणों ने समझा बुझा कर उसको बिठाया और जहाना खातून जो मोहम्मद जिब्राइल अंसारी की पत्नी को ही सचिव के पद पर चुना है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य होगा कि हम बेटियों को, खासकर ये ग्रामीण बेटियों को जो बीड़ी बनाती रहती है, उन लोगों को समझा बुझाकर विद्यालय के पढ़ाई से जोड़ने का काम करेंगे। दर्शकों, बताते चले अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई जो मुसलमान समाज की बेटियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो विद्यालय नहीं जा पाती है। कच्ची उम्र में ही उन लोगों की शादियाँ भी कर जाती हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी के कारण या फिर आर्थिक कमी के कारण। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी उस समाज की बेटियाँ हैं, उन लोगों को विद्यालय से जुड़े, विद्यालय भेजें, क्योंकि जब तक पढ़ेगी नहीं बेटी, तब तक बेटी आगे बढ़ नहीं सकती। कहा भी गया स्लोगन है कि पढ़ेंगी बेटियाँ तभी तो बढ़ेंगी बेटियाँ। देखिएगा हमारी खास। क्या नाम है? मोहम्मद मुन्ना अंसारी। कल जो आप लोगों ने शिक्षा समिति का गठन करवाया विद्यालय में, तो क्या सोच के इनको चुने हैं आप लोग? अच्छा आदमी, अच्छा शिक्षा, मैंने पढ़ा लिखा आदमी, सब सोच के में खड़ा किया। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको पूरा विश्वास है विद्यालय का उत्थान होगा इनके मार्फत? ठीक है। मेरा नाम मैनुल अंसारी है। मैनुल, कल शिक्षा समिति की बैठक हुई थी? हुए थे सर। अच्छा, क्या हुआ फिर बैठक में? यही निर्णय लिया गया, सभी गाँव के लोगों ने जमा हुआ और निर्विरोध जहाना खातून को निर्विरोध चुन लिया गया सचिव के पद के उम्मीदवार बनाया गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ अंसारी। अच्छा, कल निर्विरोध दिन को बताया बनाया गया? हाँ, कल निर्विरोध बनाया गया। चलिए, माने कोई इसके आगे पीछे नहीं था? कोई नहीं। चलिए ठीक है। मेरे साथ जुड़ रही है, क्या नाम है आपका? सलमा। जहाना खातून को आप लोग सचिव बनाई है निर्विरोध, क्या सोच के? यही कि अच्छा लड़की लोग पढ़ाए है ना, पढ़ावे सिखाए, स्कूल के काम में हाथ बटावे ना। हाँ। विकास का काम करे। ठीक है। सद्दाम, क्या अपील है आपके गांव में? अभी भी कई बेटियां जो सिर्फ बीड़ी बनाती हैं, स्कूल से दूर हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना है? हम जहाना खातून को जो बनाए सचिव, इसलिए बनाए कि जो छोटी छोटी बेटियां जो है, जो बीड़ी बनाती है, उसको स्कूल तक पहुँचावे और सही शिक्षा मिले। और बेटी से, बेटी के माँ बाप से कुछ बोलिए ना, थोड़ा सा बीड़ी छोड़वा के स्कूल भेजे। बोलना चाहते हैं कि छोटे बच्चे से, बच्चियाँ से बीड़ी नहीं बनवावे और स्कूल के, स्कूल को पढ़ने के लिए भेजे। बहुत अच्छा। क्या क्या? मेरा स्कूल जो है बहुत सा छोटा जगह में, बच्चा भी बहुत ज्यादा है, 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में और ये 8वां तक है। हम सोच रहे हैं कि जमीन व्यवस्था हो चुका है, इस स्कूल को आगे ईदगाह में जमीन है वहाँ बनाया जाए। पैसा मेरा स्कूल का आया, उस समय जमीन उपलब्ध नहीं था और जमीन अब उपलब्ध हो गया है। हम सरकार से यही अथी करते हैं कि वो मेरा तुम्बा पहाड़ के लिए स्कूल के जगह हम लोग खोज लिए हैं, वहाँ बनवा दें। अभी हम हैं तुम्बा पहाड़ में, जहाँ विद्यालय सचिव के पद पर इनको चुना गया जहाना खातून को। जहाना, क्या किस पद पर चुनाव हुआ आपका? सचिव के पद पे ना। हाँ। अच्छा, क्या क्या करेंगी आप, क्योंकि अभी भी देखते हैं मुस्लिम समाज की बेटी जो है वो बीड़ी बनाती है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? सबको देख रेख करिएगा ना। अब विद्यालय कैसे विकास करे इस पर भी चर्चा करना है ना। अब बेटी लोग को क्या संदेह, बेटी लोग कैसे पढ़ते हैं, बेटी लोग के की करवाता हूँ बेटी के लिए, है ना, सबको पढ़ने के लिए प्रेरित करना है आपको। हाँ। अच्छा, जो बेटी अभी भी नहीं स्कूल जाती है उसको क्या कहेंगे आप, स्कूल आने के लिए बोलना है? हाँ। एक बात और, अभी जो मुस्लिम समाज की बेटियाँ हैं उसको बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है, और आप खुद एक महिला हैं, तो उन माँ बाप को क्या रोकना है इस चीज़ से कि नहीं, है ना? और क्या करिएगा बताइए। इन बच्चे स्कूल में क्या है ना, सबका विद्यालय विकास में जो भी होगा सहयोग करेंगे आप। मैं चाहता हूँ कि कई लड़कियाँ जो अभी भी गांव में हैं वो सिर्फ बीड़ी बनाती है और उसके माँ बाप बाहर काम करते हैं, तो उन बीड़ी बनाने वाली बेटी के लिए क्या कहना चाहते हैं, घरेलू भाषा में बोलिए। हम सबके पढ़ाने लिए बोलेंगे,
है ना, कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाइए, क्योंकि आगे भी शादी विवाह में पढ़ाई ही खोजता है, है ना। बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी है, बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी है, सबका कहना है, सबके कहना है घर में। ठीक, हाँ, तो आप बेटी लोग को पढ़ाने के लिए आप बोल दीजिए जरा था, बेटी को पढ़ाने के लिए, है ना, कि गांव के जो भी बेटी है सब आवे स्कूल पढ़ने के लिए, गार्जियन को सब बोले, गार्जियन के बोलते अभिभावक जो गांव के आदमी ओकरा की कहल चाहत हम सबके गांव के पढ़ावे बेटी के, बेटी के सब पति के सब के पढ़ाई है ना, बेटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, बेटी पढ़ना बहुत जरूरी है, आजकल पढ़ले पढ़ले करते ताकत बनते माने।